हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई एम ममता मैम। टुडे आई विल टीच यू क्लास फोर्थ कल्चर एंड सोसाइटी लेसन 7। हेलो स्टूडेंट्स, लेसन 7, द क्लाइमेट ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश का कैसा मौसम होता है, इसके बारे में हमें स्टडी करनी है। माउंटेन्स आर कोल्डर, डेजर्ट आर क्वाइट हॉट। जो माउंटेन एरिया है वो बहुत ही ठंडा होता है और जो डेजर्ट एरिया बहुत हॉट होता है। बच्चों, द सन, विंड, क्लाउड एंड रेन आर द फैक्टर विच कंबाइन टुगेदर टू मेक वेदर। हवा, सूर्य का प्रकाश और बादल और वर्षा, ये चीज़ें मिल करके क्या बनाते हैं, वेदर बनाते हैं। नियरली कॉन्स्टेंट वेदर कंडीशन प्रिविलेजिंग एट द प्लेस फॉर द लॉन्ग पीरियड टाइम इज कॉल्ड क्लाइमेट। जो लंबे समय तक जो मौसम बना रहता है उसी को हम क्लाइमेट कहते हैं। इंडिया इज द वर्स्ट कंट्री हुज लैंड सरफेस चेंज फ्राम द रीजन टू रीजन। हमारे देश का जो है क्लाइमेट जो है जगह जगह पर अलग अलग ढंग का होता है। जैसे डिफरेंट प्लेसेस ऑफ लैंड फॉर्म्स हैव द डिफरेंट क्लाइमेट। इन समर नॉर्दर्न प्लेन्स आर वेरी हॉट, वाइल्ड, जबकि ग्रेटर हिमालया इज़ वेरी कोल्ड, वहाँ पे हमेशा बर्फ ही बना रहता है। इट इज़ हैवली रेन्स हैवली इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, वाइल्ड द वेस्टर्न डेजर्ट रिसीव वेरी लिटिल रेन, वहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ इंडिया आर द फॉलोज। जो फैक्टर्स हमारे इस क्लाइमेट पे इफ़ेक्ट डालते हैं वो हैं हिमालयन रेंज, द रेन बियरिंग मानसून विंड, तीसरा है द सी कोस्ट और चौथा है हाई फॉर्म ऑफ सी लेवल। तो हिमालय रेंज में क्या होता है बच्चों, स्टॉप द चिलिंग कोल्ड विंड फ्रॉम द साइबेरिया फ्रॉम द इंटर द कंट्री। इट आल्सो स्टॉप द मानसून क्लाउड एंड ब्रिंग रेन, और ये इस चीज़ को रोकते हैं। साइबेरियन के जो हवा है इस चीज़ को रोकता है और वहाँ पे बरसात करता है। द रेन बियरिंग द मानसून विंड बिलो इन द सम डायरेक्शन फॉर मंथ, द रेन मोर इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया देन इन वेस्टर्न पार्ट। तो ये एक ही डायरेक्शन में एक मंथ तक एक ही डायरेक्शन में यह मौसम बना रहता है, जिसके कारण ईस्टर्न पार्ट में अधिक वर्षा होती है वेस्टर्न पार्ट के अपेक्षा। सी कोस्ट ऑफ इंडिया ये कितना किलोमीटर लॉन्ग है, 7516 किलोमीटर ये लंबा है। कोस्टल रीजन है द इक्वेबल टाइप ऑफ द क्लाइमेट, नाइदर हॉट नॉर कोल्ड, न ये बराबर होते हैं, ना ज़्यादा ठंडा होता है ना ही ज़्यादा गर्म होता है। हाई फॉर्म द सी लेवल, द लैंड सरफेस ऑफ इंडिया इज फुल माउंटेन, यहाँ पे सबसे ज़्यादा माउंटेन होता है, पर्वत पहाड़ होते हैं, हिल्स एंड द प्लेटूज होते हैं। इट इज़ प्लेजेंट वेदर इन हाई प्लेसेस, हैवी स्नोफॉल ऑल्सो अकर एट द हाई माउंटेन्स विंटर। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा होता है, यहाँ पे हैवी रेन स्नोफॉल भी होता है और हायर माउंटेन्स इन विंटर, और वहाँ पे जो है बहुत सारे ऊँचे ऊँचे पहाड़ और पर्वत होते हैं बहुत, जबकि वहाँ बहुत ठंडा होता है। सीज़न, तो बच्चों सीज़न क्या है, मौसम क्या है, वेदर कंडीशन रिमेनिंग नियरली कॉन्स्टेंट ऑफ मंथ इस काल रीजन, जहाँ पर लंबे समय तक एक मंथ तक कम से कम कोई मौसम बना रहे उसी को हम सीज़न कहते हैं। देयर आर द थ्री मेन सीजन इन आवर कंट्री, हमारे देश में तीन मेन सीजन होते हैं, समर सीजन, मानसून आर रेली सीजन और विंटर सीजन। तो बच्चों इसके आगे मैं कल पढ़ाऊंगी। थैंक यू।